असलम डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सैदली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमल बिहेवियर के लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम्स बायोलॉजिकल तो आपको मालूम है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करता है यानी कि जानदारों में होने वाला और रिदम्स का मतलब है कि वो एक्टिविटीज़ जो रिपीटडली हो रही होती हैं जानदारों में होने वाली रिपीटडली एक्टिविटीज़ इन्हें हम समझने वाले हैं तो अगर हम बात करेंगे तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर बायोलॉजिकल रिदम्स आर द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ बायोलॉजिकल रिदम्स जो है दरअसल ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं और लिखा हुआ ये जो एक्टिविटीज जानदार में हो रही हैं ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स जानदार में हो रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं ये किस हिसाब से रिपीट हो रहे हैं और कैसे रिपीट हो रहे हैं लिखा हुआ है देट आर इन रेस्पॉन्स टू पीरियोडिक एनवामेंटल चेंजेस कि जो इन्वामेंट है वो भी पीरियडिकली चेंज हो रही होती है वो भी रिपीटेडली चेंज हो रही होती है और किस तरह से चेंज होती है मिसाल के तौर तो पर अगर हम एक मिसाल लें कि दिन होता है और उसके बाद रात होती है तो ये तो एक दफ़ा हो गया लेकिन दोबारा से यही चीज़ होगी कि दोबारा से दिन आएगा दोबारा से रात आएगी अभी पेरियडिकली ये जो है ये बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं अब जब दिन आता है तो जानदार उस दिन के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को करेगा जब रात आएगी जानदार अपनी एक्टिविटीज़ को रात के हिसाब से करेगा तो ये जो एक्टिविटीज़ का चेंज होना है ये एक्टिविटीज़ का होना है दिन और रात के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम्स कलवाती हैं आगे मजीदी लिखा हुआ है द इंटरनल मकैनिज्म आर डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टूमिना इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक अब ये जो एक्टिविटीज़ किसी जानदार के अंदर हो रही है दिन को जो काम होते हैं रात को जो काम होते हैं सोना वगैरह अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर सेट हो चुकी हैं अब भले उसके सामने एक दिन सूरज नहीं आए या रात का जो अंधेरा है वो देर से हो लेकिन वो एक्टिविटीज़ को अपने इसी हिसाब से करेगा क्योंकि उसके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो चुका है उसकी बॉडी ने अपने अंदर एक टाइम लगा दिया है कि उसे इस हिसाब से इतने घंटों के अंदर इतना काम करना है तो उसके अंदर एक मकैनिज़म मौजूद है एक डिवाइस मौजूद है जानदार के अंदर जो उसके कामों को कंट्रोल करती है और अब उस पर एक्सटर्नल स्टमलाई का कोई भी असर नहीं होता वो एक्सटर्नल स्टमलाई से आज़ाद है कि बाहर का चेंज कैसा भी आ जाए वो अपने कामों को अपने हिसाब से करेगा जो कि उसके पास बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है जो उसे बताएगा कि आपने इतनी देर काम करना है आगे लिखा हुआ है कि जो बायोलॉजिकल रिदम्स को फॉलो करते हैं वो किस तरह से हैं लिखा हुआ है द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेजम विद द लाइट आर द नाइट डार्कनेस साइकिल जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही होती हैं दिन के हिसाब से या रात वाले साइकिल के हिसाब से मतलब कि ज़्यादातर वो दिन को काम करेंगे और फिर रात को आराम करेंगे या रात को ज़्यादातर काम करेंगे और दिन को आराम करेंगे लिखा हुआ है विद मोस्ट ऑर्गेनिज्म द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डे आर ट्वेंटी फोर आर्स आर डे नाइट रिथम्स आर सर्कियन रिधम्स जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम हमारे वहाँ मौजूद हैं या तो वो चौबीस घंटे काम कर रहे हैं या फिर उस चौबीस घंटों में से कुछ हिस्सा जो है वो काम कर रहे हैं अब जब जानदारों की एक्टिविटी 24 घंटों के अंदर कुछ हिस्से के लिए भी हो रही हैं तो उनको हम लोग काउंट करते हैं सर्कडियन रिदम्स के अंदर सर्कडियन रिदम का मतलब होता है कि उनकी डेली की एक्टिविटीज़ तो जो डेली की एक्टिविटीज किसी के अंदर हो रही हैं चौबीस घंटों के हिसाब से वो उनकी सर्किडियम रिदम्स खेलवाएंगी अब सर्कडियम रिदम्स को फॉलो करने वाले एनिमल्स हमारे पास दो तरह के होंगे लिखा हुआ है द एनिमल्स डेट आर नॉट एक्टिव थ्रू आउट ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ अ डे सच इज बटरफ्लाई बर्ड्स इंक्लूडिंग विच आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम और कार ड्यूरनल एनिमल्स अब जो एनिमल्स हैं वो पूरा चौबीस घंटे एक्टिव नहीं है लेकिन 24 घंटे के अंदर कुछ टाइम के लिए वो एक्टिवेट होते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए भी कब एक्टिव होते हैं ये दिन के टाइम पर रोशनी के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं वो कौन से हैं बटरफ्लाई से बर्ड्स है और मैमल्स से अब ये जो है दिन के टाइम पर अपने काम करते हैं जो दिन के टाइम पर काम करेंगे उन्हें ड्यूरिनल एनिमल्स कहा जाता है ड्यूरिनल एनिमल्स के अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दिन को नहीं बल्कि रात को काम करते हैं तो लिखा हुआ अदर एनिमल्स डेट आर एक्टिवेट नाइट डार्कनेस सचेज कॉकरोचेस ऑल्स एंड बेड्स नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात को एक्टिवेट है दिन को हमें नज़र भी नहीं आते और रात को ही अपने सारे काम काज करते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाएगा चमगादड़ को भी आप आमतौर तो पर देखते हैं दिन को वो आराम कर रहा होता है लेकिन रात को फिर उसका उड़ना शुरू होता है इसी तरह से ऑल भी है दिन को आराम रात को जो है जागना ये सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलवाएंगे मजिद हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स का भी जिक्र है लिखा हुआ है देयर आर स्टिल सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स सच एज स्टिल्स आर एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग डॉन आर अर्ली इन द इवनिंग डस्क आर कार्ड क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे हैं मॉस्किटोज की तरह जो कि या तो डॉन के टाइम पर यानी कि जब सूरज निकलता है तब एक्टिवेट होते हैं तब काम करते हैं या फिर जब सूरज ढलता है इवनिंग का टाइम तब वो काम करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को क्रेपस्क्युलर एनिमल्स कहा जाता है मच्छर भी आपको आमतौर तो पर रात को नजर आएगा जैसे ही सूरज जाएगा मच्छर आना शुरू हो जाएगा तो ये क्रेपस्क्युलर एनिमल्स होते हैं अब अगर सर्कैनियन रिथम्स के अलावा यानी कि डेली की एक्टिविटीज़ के अलावा अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है सम एनिमल्स है एन्यूअल रिथ्म कार एनुअल साइकिल और सर्कैन्यूल रिदम्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सालाना एक्टिविटीज़ करते हैं साल में वो एक हिस्से के अंदर करेंगे फिर उसके बाद वो नहीं करेंगे तो उनके अंदर वो सालाना एक्टिविटीज़ कौन सी हैं लिखा हुआ इंक्लूडिंग बर्ड माइग्रेशन बर्ड्स की माइग्रेशन होना आप देखेंगे सर्दियों के अंदर बर्ड्स हमारे पास पहुँचेंगी फिर जैसे मार्च वगैरह का महीना शुरू होगा वो वापसी चली जाएंगी तो ये उनकी सालाना एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अलावा लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैनी इंसेक्ट्स फ़िश बर्ड्स एंड मेमल्स काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे मेमल्स हो गए बर्ड्स हो गए या फ़िश हो गए या इंसेक्ट हो गए इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं साल के किसी हिस्से के अंदर वो रिप्रोडक्शन अंजाम देते हैं यानी मिसाल सर्दियाँ आ गई या मिसाल गर्मियाँ आ गई तो वो सिर्फ एक हिस्से में ही रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये भी उनका जो है सरकेनियल रिदम कहलवाएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाइबरनेशन ऑफ़ एनिमल्स हाइबरनेशन का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने कुछ साल के कुछ हिस्से के अंदर वो इनएक्टिव होते हैं मना कर कोई भी काम नहीं करते जैसे आपने फ्रो को देखा हुआ है कि वो अपने आप को सर्दियों के अंदर इनएक्टिव कर देता है ज़मीन के अंदर वो छुप जाता है और फिर दोबारा से अपने आप को गर्मियों के अंदर जाहिर कर देता है तो एनिमल्स का कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाना ये हाइबरनेशन कहलवाता है और ये भी साल में हमें कुछ हिस्से में देखने को मिलेगा तो ये सारे उनके जो है सरकेनअल रिदम्स कहलवाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जानदारों के बारे में डिस्कस किया कि जानदार जो हैं किस हिसाब से काम करते हैं तो अगर डेली के हिसाब से वो काम कर रहे हैं डेली को एक्टिविटीज़ रिपीट हो रही हैं तो वो बायोलॉजिकल रिदम्स उनके सर्केडियन रिदम्स कहलवाएंगे और अगर सालाना उनकी एक्टिविटीज़ रिपीट हो रही है तो ये सर्केनियन रिदम्स कहलवाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही था उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा असलम